हाय, मेरा नाम बिंटू है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएचपी स्क्रिप्ट कैसे रन की जाती है। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरा पहला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने वैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना सिखाया है। वैम्प सर्वर वो सर्वर है जिससे तीन सॉफ्टवेयर्स लोड हो जाएंगे आपके, अपाचे सर्वर, MySQL डेटाबेस और PHP इंटरप्रेटर। PHP के वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको सर्वर, डेटाबेस और PHP इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। वैम्प सर्वर को जब आप इंस्टॉल करते हो तो वो तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे। पहली बात तो PHP क्यों? PHP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये बहुत ही पॉपुलर वेब स्क्रिप्टिंग इंजन है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि एक तो इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ओपन सोर्स है, इसके लिए बहुत बड़ी मास कम्युनिटी इसके लिए डेवलपमेंट करती रहती है, रोज नए नए क्लासेस, नए नए ऑब्जेक्ट्स, नए नए फंक्शंस ऐड होते रहते हैं। किसी भी डेटाबेस, MySQL हो, इन्फॉर्मिक्स हो, Oracle हो, किसी भी डेटाबेस के साथ अटैच हो सकती है। ओपन सोर्स होने के कारण आपको इसके अंदर फुल सपोर्ट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई, आपने इसकी क्लास नहीं चल रही है या उसमें आप कुछ एडिशन चाहते हैं या कुछ भी आप चेंजेस चाहते हैं और आपने अपनी प्रॉब्लम्स अपलोड की, तो उसकी सपोर्ट टीम आपको हेल्प करेगी। और ये PHP सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश, विंडोज, सबके लिए। एक बात आपके दिमाग में जरूर आएगी कि सब PHP में स्क्रिप्टिंग क्यों करें, जावास्क्रिप्ट भी तो है। एक फर्क ये है इन दोनों में कि जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी जावास्क्रिप्ट का जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो वो क्लाइंट यानी जो यूजर होता है उसके ब्राउजर पे जाके एग्जीक्यूट होता है, जबकि PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब है कि कोड पहले सर्वर पे, वेब सर्वर पे रन होगा और उसका केवल आउटपुट ही क्लाइंट की मशीन पे आएगा, यानी क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा एंड ऑब्वियसली फास्ट भी चलेगा। PHP का कोडिंग, जब भी आप PHP कोडिंग करेंगे तो इसके दो टैग्स होते हैं। देखिए, आपने जब भी कोई वेबसाइट को रन करेंगे तो वो वेब सर्वर पर रन होगी, तो वेब सर्वर पे PHP जो इंजन होता है वो ट्रांसलेट करता है, PHP जो इंटरप्रेटर होता है वो PHP कोड को ट्रांसलेट करता है HTML कोड में, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये PHP कोड है और ये सिंपल HTML कोड है। जो कोड इस लेजेंस एंड क्वेश्चन मार्क PHP से शुरू होगा, इसका मतलब ये PHP कोड शुरू हो गया और ये जो क्वेश्चन मार्क गाइडेंस है यानी ये PHP खत्म हो गया। इसको अपन प्रैक्टिकली समझते हैं, तो मैं एक बार बाहर आता हूँ। वेम्प सर्वर के अंदर एक WWW फोल्डर होता है, उसी के अंदर जो PHP स्क्रिप्ट आप डालेंगे वो ही रन होती हैं, यानी आपको जो भी PHP स्क्रिप्ट रन करनी है वो WWW फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ये मेरा पहला कोड है जो मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, ये एक सिंपल सा PHP स्क्रिप्ट है। ये आप देखेंगे PHP आराम से HTML के साथ एम्बेड हो जाती है। ये फर्स्ट लाइन जो है ये कह रही है वेलकम टू PHP, ये हेडिंग वन में एलिमेंट में लिखाएगा। ये स्टार्टिंग ऑफ PHP टैग है, ये PHP इंटरप्रेटर को बोलता है कि भैया आगे जो लाइनें आ रही हैं ये PHP कोड है, इसको कृपया HTML कोड में कन्वर्ट करें। तो ये इको यानी स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, क्या डिस्प्ले करो? हेलो वर्ल्ड, वो भी बोल्ड एलिमेंट में। ये बी और /b HTML एलिमेंट है, तो आपका स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा इसको जब मैं रन करूँगा? वेलकम टू PHP हेलो वर्ल्ड बोल्ड में। अच्छा, मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। इसको रन करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा वैम्प सर्वर चल रहा है आपकी मशीन पे। वैम्प सर्वर चलना चाहिए यानी वैम्प का, इधर ये कोड देख रहे हैं आप, ग्रीन में दिखना चाहिए इसका कलर ग्रीन में है, इसका मतलब आपका वैम्प सर्वर प्रॉपरली रन कर रहा है। अगर ये रेड में है इसका मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करके स्टार्ट ऑल सर्विसेज या रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना। और अगर यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का कलर आता है, इसका मतलब आपने स्टार्ट करने की कोशिश तो की लेकिन वैम्प सर्वर स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसका कोई पोर्ट कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में पहले से ही MySQL इंस्टॉल्ड है या कोई IIS सर्वर या कोई और सर्वर है जो इसके पोर्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो वैम्प कभी चलेगा नहीं, तो उन सर्विसेज को पहले बंद कर दीजिएगा। आपका वैम्प चलना चाहिए और उसका कलर ग्रीन में होना चाहिए। और उसको रन करने के लिए आपको ब्राउजर ऑन करना है, http://localhost। ये फर्स्ट स्क्रीन आती है, ये तो प्रूव करता है कि भाई वैम्प सर्वर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है और रनिंग है। अब मैंने पहला जो कोड रन किया था वो था sample1.php। देखिए, उससे दो लाइन आ गई, पहली तो हेडिंग वन एलिमेंट में वेलकम टू PHP लिखाया, दूसरा हेलो वर्ल्ड बोल्ड में लिखाया। एक और कोड समझते हैं, sample2। ये मैंने आपके लिए कुछ पहले से स्क्रिप्ट बना रखी है। ये देखिए, ये बता रहा है कि वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं PHP में। देखो, मैंने एक वर्ड लिखा हेलो वर्ल्ड, सिंगल अपॉस्ट्रोफी में, डबल अपॉस्ट्रोफी में, जैसा भी आपका दिल करे, कोई फर्क नहीं करता PHP इसमें। हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ये आपने असाइन कर दिया MSG को। वेरिएबल डॉलर से शुरू होते हैं PHP में। इको यानी स्क्रीन में प्रिंट करो $MSG यानी MSG वेरिएबल के अंदर जो भी है उसको स्क्रीन में प्रिंट करो। ऑब्वियसली इस PHP स्क्रिप्ट को मैं जब भी रन करूंगा तो आउटपुट केवल एक आएगा, हेलो वर्ल्ड, नॉर्मल, ना बोल्ड ना कुछ, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखाएगा। इसको रन करके देखते हैं। मैं इधर लिख दिया sample2, देखो हेलो वर्ल्ड लिखाया।
एक और स्क्रिप्ट समझ लेते हैं, एक और है ये सैंपल थ्री। ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन समझा रहा है। देखिए मैंने एक शब्द लिया बिंटू, वो डॉलर ए यानी एक वेरिएबल को दे दिया ए को, हरवानी मैंने बी वेरिएबल को असाइन कर दिया। अब इको यानी स्क्रीन में प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, द टू स्ट्रिंग्स आर, आर के बाद स्पेस है ध्यान रखिएगा, द टू स्ट्रिंग्स आर डॉट का मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट यानी इसके आगे जो भी आ रही है स्ट्रिंग उसको इसी लाइन पे जोड़ दो, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट यानी स्ट्रिंग्स को जोड़ दो। किसको जोड़ो, डॉलर ए को, डॉलर ए में लिखा है बिंटू, तो आउटपुट क्या आएगा, द टू स्ट्रिंग्स आर बिंटू, फिर डॉट यानी फिर आगे वाली स्ट्रिंग्स को भी इसके साथ जोड़ दो, एंड इधर मैंने स्पेस डाला हुआ है, फिर इधर अपोस्ट्रोफी, इधर अपोस्ट्रोफी से पहले फिर एक स्पेस डाला हुआ है, फिर डॉलर बी को भी इधर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट कर दो, इधर जोड़ दो, तो आउटपुट क्या आने वाला है वो सुनिए, द टू स्ट्रिंग्स आर बिंटू एंड हरवानी। इसको रन करके देखते हैं ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो रही है क्या। तो मैंने यहाँ पे लिखा द टू स्ट्रिंग्स आर बिंटू एंड हरवानी। अब एक और कर लेते हैं, बहुत ईजी है PHP। देखिए ये आपको वाइल लूप रन करने का तरीका बता रहा है। आप नोट करेंगे हर PHP जो स्टेटमेंट है उसके आगे लास्ट में सेमीकोलन लग रहा है। ये डॉलर आई इज इक्वल वन लिख रहा है यानी वन असाइन हो गया आई वेरिएबल को, तो आई की वैल्यू होगी वन। वाइल यानी जब तक आई वेरिएबल की वैल्यू 5 या उससे कम है इस वाइल लूप को रन करते रहें, ठीक है। तो आपका स्क्रीन पे पहले आएगा आई, आई की वैल्यू प्रिंट करें, आई की वैल्यू है 1। स्ट्रिंग का कॉन्टिनेट का मतलब इसी लाइन में स्ट्रिंग कॉन्टिनेट, ये डॉट का मतलब है स्ट्रिंग को जोड़िए, किसको जोड़िए, बी आर ब्रेक ऑफ लाइन को, तो होगा क्या, 1 प्रिंट होगा और इससे कर्सर नीचे आ जाएगा, डॉलर आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से बड़ा, तो आई की वैल्यू 1 थी अब हो जाएगी 2, ये ऊपर जाएगा, क्या 2 5 से छोटा है, हाँ है, प्रिंट करो आई की वैल्यू यानी 2, ब्रेक नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, फिर आई की वैल्यू 2 से हो जाएगी 3, 3 5 से छोटा है जी 3 4 5, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 6, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं, तो ये बाहर आ जाएगा। ये तो बता ही रहा है कि PHP शुरू हुआ और ये कह रहा है PHP स्क्रिप्ट खत्म हो गया, यानी इस स्क्रिप्ट से क्या होगा, आपका आई की वैल्यू 1 to 5 यानी ये सीक्वेंस नंबर देगा 1 to 5 तक, देखते हैं ऐसा कर रहा है ये। वन टू फाइव देख रहे हैं आप। अब ऐसे ही एक और है, ये एक फॉर लूप है, फॉर लूप जो उनको C++ जावा आती है उनको पता है ये कितना आसान है। ये कह रहा है कि फॉर लूप स्टार्ट हुआ यहां से यहां तक, ये कह रहा है i वेरिएबल की वैल्यू 1 कर दो और जब तक i की वैल्यू 5 से कम है तब तक इस हिस्से को रन करते रहो, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस है इसके बीच वाले हिस्से को रन करते रहो। तो फर्स्ट में i की वैल्यू 1 है, 1 5 से छोटा है, बिल्कुल है, तो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा आई यानी 1, कॉन्केटिनेट सिंबल लगा के आपने कहा ब्रेक ऑफ लाइन यानी कर्सर नीचे आ जाएगा, तो 1 प्रिंट करे कर्सर यहाँ आएगा, इस कर्ली ब्रेसेस से कर्सर यहाँ जंप करता है और इस वाले स्टेटमेंट को रन करता है। ये कह रहा है आई की वैल्यू 1 से बढ़ाओ, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्या 2 5 से छोटा है, चेक करेगा, 2 5 से छोटा है तो अंदर जाएगा, नहीं तो इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 2 क्योंकि 5 से छोटा है वो अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा 2, ब्रेक ऑफ लाइन से कर्सर नीचे आ जाएगा, यहाँ आते ही कर्सर वापस इधर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ा देगा 1 से, 2 से 3 हो जाएगा, क्या 3 5 से छोटा है, बिल्कुल है, 3 4 5 और उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो आपका ये सीक्वेंस नंबर 1 to 5 प्रिंट करेगा, देखते हैं ये ऐसा कर रहा है क्या, लेकिन इस बार ये प्रिंट करेगा सीक्वेंस नंबर आपका फॉर लूप से, वाइल लूप से नहीं, ये देखिए 1 to 5 ही लिखा है। अब अगर मैं इस पे गया, ये आपको एक लूप रन कर दिखा रहा है कि एक एरे है, एरे के अंदर 3 एलिमेंट है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैमरा, और ये पूरा एरे जो है वो पी को असाइन किया गया, यानी ये एक आपका डॉलर पी एक पी एरे हो गया जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। स्क्रीन पे लिखा है डेटा इन एरे आर, और ब्रेक ऑफ लाइन से कर्सर नीचे आ जाएगा, तो स्क्रीन पे लिखा है डेटा इन एरे आर फॉर ईच एरे में चलता है, डॉलर पी एस डॉलर के यानी एरे पी का एक एक एलिमेंट उठा के को देते जाओ जब तक एरे खत्म नहीं हो। तो पहला एलिमेंट आपका कौन सा, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन मिलेगा के को, स्क्रीन पे प्रिंट करो के यानी स्मार्टफोन, ब्रेक ऑफ लाइन से कर्सर नीचे आ जाएगा, फॉर इससे वो दूसरा एलिमेंट उठाएगा पी एरे का और वो के को दे देगा, दूसरा एलिमेंट कौन सा है, लैपटॉप, ये आपका लैपटॉप असाइन होगा के को, प्रिंट करो डॉलर के को यही लैपटॉप आ जाएगा, फिर फॉर इच चलेगा जब तक एरे खत्म नहीं होगा, ये लूप चलता रहेगा। तो तीसरा एलिमेंट कैमरा, कैमरा असाइन हो जाएगा डॉलर के को, प्रिंट करेगा कैमरा, फिर आगे बढ़ेगा, खत्म हो गया एरे तो ये बाहर आ जाएगा, यानी ये फॉर इच क्या करता है, एरे की एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है, सैंपल है हमारा 6, डेटा इन एरिया स्मार्टफोन लैपटॉप कैमरा। तो ये है मेरा फर्स्ट लेक्चर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं bmharwani@yahoo.com पे।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।